सो हे फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ एक और नई वीडियो के साथ। और मैंने एक चीज़ देखी कि आप वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते यार, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। फिलहाल मैं सो जाता हूँ, रात बहुत हो चुकी है। चलो पहले तो एक्सपी फॉर्म चेक करते हैं अपना। अच्छा अच्छा, निकल 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 निकल। ओ देख रहे हो कैसे भीड़ हो रखी है इधर, देखो जरा देखो कितना स्पॉन हुआ है। दूर से तो मार नहीं सकता, मैं नज़दीक जाऊंगा तो ये मुझे मारेंगे। देखो कितना सारा है। एक तो इधर गोलम नहीं है वरना ये साफ हो जाता फटाफट से। हाँ लकी, लेकिन मुझे एक्सपी लेवल नहीं मिलते बाद में बिल्कुल भी, लेकिन इन्हें मारने में टाइम लगता है। कितने हैं यार ये, मैं खुद कह रहा हूँ इतने स्पॉन नहीं होने चाहिए बिकॉज ये इतने सारे हैं कि मारने में कितना टाइम लग रहा है। अरे यार निकल, तू भी निकल निकल। बे 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 करता रहता है। रोटन फ्लैश लेकिन किसी काम की चीज़ नहीं है। 18 हो गए मेरे लेवल। और एक काम करते हैं, इधर से ड्रॉप्स ले लेते फटाफट इन लोगों के। मैं पूरी चेस्ट कभी भरने नहीं देता, ज़रा हुआ नहीं कि ले लो, यही करता हूँ मैं। रोटन फ्लैश के स्टैक हो रखे हैं पूरे, स्टैक का मैं क्या कहूँ, रोटन फ्लैश के वो भी। रोटन फ्लैश के स्टैक का कोई काम नहीं है ना। देखो दो और है रोटन फ्लैश। इधर हॉपर कैसे आया, पता नहीं आया होगा चल के। कैसी बात कर रहा हूँ मैं। गौ माता जी प्लीज साइड हो जाइए, और गोलम देवता आप हट जाइए। जाओ जाओ जाओ, अब चलता हूँ मैं अंदर क्योंकि मुझे डर लगता है कि गोलम को लग जाएगा। ओके तो अभी मेरे पास बहुत सामान पड़ा है, क्यों ना ये मेरे पास जो ट्राइडेंट है उसे इंजेक्ट कर लिया जाए, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रॉम भी स्पॉन होना चाहिए ना। वो चेंजिंग या चेंजिंग नाम की कोई बुक आती है जिससे हम उसे इंजेक्ट कर सकते हैं, ताकि थंडर स्ट्रॉम के टाइम पे ये क्या करे तो ये स्ट्रॉम को वो स्ट्रॉम बुलाए। तो मेरे पास गन पाउडर भी है बहुत, लेकिन अभी TNT बनाने लायक नहीं है क्योंकि हमारे पास वो भी नहीं है, क्या कहते हैं उसे, सैंड। ओके तो अभी हमारे पास आयरन के 2 इनगोट है और 1 पटेटो है। तो पटेटो को हम बेक करने से पहले इसे इधर रख देते हैं। क्रॉसबो का कोई काम नहीं है खास, और स्ट्रिंग का भी कोई ऐसा खास काम नहीं है जब तक ट्रैपिंग हुक ना हो अपने पास। सॉरी, मैंने वुड के सेक्शन में रख लिया इसे ऊपर, ये इधर रख देता हूँ। और ये बैनर की मुझे लेकिन बैनर को ए करने से पहले एक काम कर, मैं अपनी लेप्स लजूली ले लेता हूँ। कौन से सेक्शन में थी वो मुझे भी याद नहीं है ठीक से। इसमें यस ये रही। अरे यार एरो रख दिया इधर। ओके तो इंजेक्टिंग टेबल खोलो और इसमें ट्राइडेंट डालो। क्या इंजेक्ट नहीं होगा, नहीं होगा, बुक को इंजेक्ट करना पड़ेगा हमें इसके लिए। ओके चलो हमारे पास पूरा स्टैक है बुक का, निकाल लेते हैं बुक। लेकिन किधर है बुक, ये रही ये रही। बुक को इंजेक्ट करना पड़ेगा पहले। ओके तो हमें जो चाहिए वो है चेंजिंग नाम की कोई इंजेक्टमेंट, इम्पेयरिंग अनब्रेकिंग पावर। सिर्फ ये 3 ही है, दूसरी कोई नहीं है। ओके कौन सी हो गई पावर। ओके तो आई थिंक ये पावर जो है वो मैं अपने स्वॉर्ड पे डाल सकता हूँ। आई थिंक मुझे पक्का पता, मेरी स्वॉर्ड देखो ना टूटने पे आई है पूरी, नहीं इस पे नहीं डाल सकता। तो पावर मैं डालूँ किस पे, पावर डालने से पहले एक काम कर लेता हूँ, यहाँ से एक स्वॉर्ड इधर आइटम फ्रेम में से निकाल देता हूँ। मिली क्या, ये रही। ओके तो अभी ये नई स्वॉर्ड को अंदर रखते हैं फिलहाल। और अभी हमें एक ज़रूरी काम कर वो है ऊपर माला बनाना, लेकिन वो इतना इजी नहीं है।
एक काम करते हैं, हम जाके खोदना चालू रखते हैं। अरे ये क्या रहा? मैं 2 सेकंड में वापस आया, ठीक है? ओके, तो दोस्तों मैं वापस आ चुका हूँ। अभी खोदना कंटिन्यू रखा है ताकि कुछ और मिल सके। और क्राफ्टिंग टेबल इधर पर, एक काम करते हैं क्राफ्टिंग टेबल अंदर ले जाते हैं, और ये भी। ओए क्या हुआ वो सचक करके? कोई बात नहीं, हम अंदर चलते हैं। ये क्राफ्टिंग टेबल आएगा इधर, और ये कंपोजर आएगा इधर। ओके, तो अभी हमारे पास कुछ सामान है जो कि हमें सेव करना है। ये इधर, ये, और इसे भी रखना है। इसे खाने वाले नहीं, इस वाले सेक्शन में रखते हैं, ज़्यादा अच्छा रहना इसलिए। और ये इंजेक्टेड बुक पावर किस काम की होती है मुझे पता नहीं है। ओके, तो हमारे पास एक टूटी हुई स्वॉर्ड, एक नई स्वॉर्ड है। तो एक काम करते हैं, ये जो टूटी हुई स्वॉर्ड है उसे हम आइटम फ्रेम में लगा देते हैं। लग जा, लग गई। ओके, मैं फटाफट से जाके खोदना कंटिन्यू लगता हूँ, कोई और ना मिल जाए तब तक। ओके, तो खुदाई शुरू करें। ओके, तो गाइस बहुत खुदाई करने के बाद मुझे कुछ चीज़ें मिली है। वो है 32 डायमंड्स, 21 आयरन और 22 गोल्ड। अरे ये कैसे दब गया? ओके, तो हमारे पास डायमंड भी है, लेकिन पहला काम है इन ओर को पिघलाना। पोटैटो इधर ही है मेरा, मैं इसे निकाल लेता हूँ। ये जलना चालू क्यों नहीं? और अच्छा, स्मोकर में रखा है मैंने। स्मोकर में कैसे होगा, फर्नेस में रखना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें इसका इनपुट भी चाहिए, जो कि हम निकाल लेंगे यहाँ से। एक काम करते हैं, 24 निकाल लेते हैं। ये नहीं, सबसे काला। ओके, तो इसे फटाफट इधर रख देते हैं हम, पहले आयरन का बाद में गोल्ड का। ओके, तो अभी हमारे पास डायमंड भी है, तो डायमंड की कुछ चीज़ें बना ले। पहले हमें स्वॉर्ड पिकेक्स वगैरह वगैरह बनाना पड़ेगा, जिसके लिए चाहिए स्टिक। और 11 स्टिक पहले से ही ऑलरेडी है हमारे पास। ओके, तो इसे इतना, और अरे यार ये नीचे एक पिकेक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड। और अभी हम ट्राई करते हैं कुछ हेलमेट वगैरह बना लें डायमंड का। पहले हेलमेट, मुझे नहीं लगता कि हेलमेट के अलावा मैं शू वगैरह ही बना पाऊँगा। पूरा आर्मर नहीं होगा मुझे लगता है, पक्का नहीं कह रहा, मुझे लगता है ऐसा। ये पैंट, आई होप कि चेस्ट प्लेट भी बन जाए। ओए रेड कलर के बूट कैसे? चेस्ट प्लेट नहीं बनेगी। ओए बन गई, एक सेकंड, सारे डायमंड यूज़ हो चुके हैं। चलो डायमंड का सामान पहन लिया जाए। डायमंड की चेस्ट प्लेट लगाई, लेकिन वो दिखता नहीं है। देखो डायमंड का सामान दिखता नहीं है। वाव अच्छा लगता है। वैसे आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे, तो मैं कह देता हूँ, मैंने एक मोड डाला है इसकी वजह से। हाँ सच बोल रहा हूँ, एक मोड डाला है मैंने। ओके, तो अभी हमें क्या करना है, इसमें से थोड़ा और वुड निकालना है। ये 24 वुड, और इसे रख देंगे इधर। ओके, तो अभी सारे और नहीं, अभी सारे नहीं हुए। लेकिन मैं आयरन का बनाऊँ क्या? अभी हम प्रो बंदे हैं, डायमंड का सामान आ चुका है अपने पास। इसे भी अनब्रेकिंग से इंचेंट करना पड़ेगा, मैं कह रहा हूँ, क्योंकि अनब्रेकिंग इज़ पावरफुल थिंग। ओके नहीं, पहले लैप्स लजूली भी चाहिए इस सेक्शन में, का उसमें। हाँ आ चुके हैं। चलो अब ट्राई टू इंचेंट फर्स्ट। ये क्या है? शार्पनेस, नॉकबैक और बोन ऑफ शार्पनेस।
एक काम करते हैं, शार्पनेस लगा लेते हैं और इसे इधर रखो। पिकेक्स पे अनब्रेकिंग मिल जाए तो मज़ा आ जाए। इफेक्टिव इफेक्टिव और अनब्रेकिंग, नाइस। वी हैव अनब्रेकिंग, ये लगा दी अनब्रेकिंग इस पे। और एक्स पे रुको, पहले इसे हटा देता हूँ। स्माइट बोनोफर्थ और अनब्रेकिंग, इसे भी अनब्रेकिंग लगा देते हैं। सिर्फ मुझे शवल की ज़रूरत है, जिसके लिए मुझे अलग डायमंड लाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मैं क्या रखने वाला था, अपना आयरन का सामान। हाँ, शवल चाहिए क्योंकि हमारे पास शवल नहीं है ना। ओके, तो अभी लैप्स लजूली, अरे लैप्स लजूली रखना रह गया, इधर रख दो। कहाँ गया, ये रहा, ये रख दिया इधर। नेचुरल चीज़ में कहाँ, मैं ये डाल रहा हूँ, रुको, इसे डालना होगा इसमें। देखो ना, ये हथियार वाली पूरी भरने आ चुकी है चेस्ट। ओके, तो तीन की स्पेस है अभी। एक काम करती है, आयरन बीच हो चुका है पूरा, ये निकाल लेते हैं और 10 और ये 22 हटा लो और गोल्ड डाल दो। और इसमें ये पोटैटो जो है उसे लगा देते हैं, इसे कर लेते हैं पूरा। ये आ गया, नाइस। इसमें रख देते हैं अपना वुड, अरे खुल जा, ये रख दिया वुड। और 21 आयरन है इधर, हमें पास चेन भी है जो कि अच्छी बात है, और चेन से हम कुछ बनाते हैं। लेट्स गो, लेकिन अभी नहीं, अभी रात हो चुकी है। ये ट्राइडेंट अच्छा लगता है देखने में, ट्राइडेंट इस त्रिशूल, शंकर भगवान वाली फीलिंग आती है, सच में बोल रहा हूँ। ये लामा ला, ओहो फिर से इधर भीड़ हो रखी है। ट्राइडेंट मारूँ इसे, गोलम बीच में ना आ जाए। एक दो, कहाँ फटा, ओए तेरी क्रीपर ने फाड़ डाला पूरा। एक गाय भी मर गई, अरे रे, डर्ट डर्ट चाहिए अभी। क्रीपर भी बहुत ख़राब थिंग है यार, ये माइनक्राफ्ट में नहीं होनी चाहिए, पूरा बना बला बिगाड़ देता है। ओके, तो अभी छेद भर के आते हैं हम फिलहाल। अबे चल बाहर, देख रहे हो वुड भी तोड़ डाला और एक गाजर भी। इस्लामा को लगना जाए वरना ये थूकता है, पता है ना आपको। अरे यार, ये लामा बीच में टांग अड़ा रहा है। ओ इधर लगा दो, मेरे पास बीफ है जो कि हम नहीं खाते बिल्कुल भी, इसे फेंक देते हैं गड्ढे में। जा, ये गया। तो हमें डर्ट उस जगह से लाके लगानी चाहिए, लेकिन मैं वैसा करूँगा नहीं। मैं क्रॉप्स भी उग चुके हैं। उई पम्पकिन चला गया, कोई बात नहीं। इसे इधर इधर तोड़ो और ये लगाओ, इसे भी तोड़ो तोड़ो। यहाँ पे पटेटो लगाओ, अरे लग जा। तो कैरेट पूरा यूज हो चुका है। ओके, तो इसे भी जाके हम बेक कर लेते हैं। ये लगा दिया आलू, सिर्फ एक ही आलू था। ओके, तो भाई हमारे पास चेन भी है, तो चेन से हम कुछ बनाते हैं। चलो बाहर, और बनाने में देर लगेगी, ये मैंने टारगेट बना रखा है। ओके, तो मैं थोड़ी देर के लिए जा रहा हूँ ताकि कुछ अच्छा सा बना सकूँ। ओके, तो वो चीज़ तैयार हो चुके हैं और मैं उसे दिखाऊंगा आपको सुबह। अभी मैं सो जाता हूँ, सुबह हो गई। ओके, आई होप कि क्रीपर ना हो कोई। निकल निकल निकल, वहाँ पे है, इधर कहीं पे नहीं है ना क्रीपर, नहीं है। देखो वो रहा, दिख रहा है विलेजर, ये रहा। वैसे ये एनविल इधर कैसे आया पता नहीं, देखो उल्टा लटका है ना,
ये मैंने उससे ही सही किया है, चेन से देख रहा है उसके पीछे। मैंने बेसिकली क्या किया, मैं क्रिएटिव में चला गया और बाद में मैंने बैरियर ब्लॉक लिया और वहाँ से डिनेबोर्ड नेम टैग लगा दिया उस पर और वो लटक गया। अरे यार इधर गोलम बहुत सारे हैं, इन्हें लग जाएगी। इनकी लूट बहुत अच्छी होती है यार, मजा आ गया। ओके तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले और नोटिफिकेशन बेल दबाना तो बिल्कुल से भी बिल्कुल नहीं। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।